मुताबिक के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं इशफाक नियाज़ी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बात करेंगे और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान बिजनेसमैन हैं मलिक शाहज़ेब साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। तो क्वेश्चंस जो हैं बिजनेसमैन, नौजवान बिजनेसमैन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बजाय मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, तो जो महंगाई के ऊपर बात होगी वो बड़े मजे की होगी। बढ़ते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अल्लाह का शुक्र जबरदस्त। मलिक साहब, ये बताइएगा कि इतनी छोटी सी उम्र में कारोबार, और अगर इसका मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे ये करूंगा, एक होता है सेल्फ मेड जो अपने एक रुपए से ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या आपने अपने ही पैसों से अपने इस लेवल तक पहुंचे या फिर वालिद साहब की शफकत है या उनकी मेहरबानी है कि बिजनेस में यहाँ तक आप पहुंचे? इश्फाक साहब, मेरा ताल्लुक इसी भी इस्लामाबाद से, मैं जलाल मलिक रहमान साहब का बेटा, हाजी मोहम्मद अहमद रहमान मेरे दादा है, जो कि 90s की सीरीज में वेल एजुकेटेड पर्सन और इस्लामाबाद के पाकिस्तान के टॉप इंजीनियर्स में से एक थे। मेरा जो ताल्लुक है वो एक कारोबारी फैमिली से है। मेरे वालिद साहब ने माशाल्लाह अपना एम्पायर उसको बिल्ड किया। नौजवान बिजनेसमैन मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं छोटी सी एज में बिजनेस में आया हूँ। ठीक है, वालिद साहब ने जो है उनकी ये मेहनत है कि जिसकी बदौलत आज हम इस टाइम पे अपनी, एक जरूरी नहीं होता कि हम अपने ही बिजनेस, हर बंदे की नसीब नहीं होता कि हर अपने ही एक रुपये से शुरू करें। जो अपने बाप के पैसे को संभालता है, जो उसको अच्छी तरह मतलब जो है यूज करता है। अच्छा, कलामी के लिए माजर, अक्सर आपकी उम्र में देखा जाता है कि बाप के पैसे का ज़ाया किया जाता है, उसको खर्च किया जाता है, बड़े अजीब अजीब से शौकों में इस्तेमाल उसको पैसे किया जाता है। मतलब देखा जाए तो ज्यादातर जो है अक्सर बेशतर नेगेटिव चीजों में इसका यूज होता है। तो जिस तरह आपने कहा कि वालिद साहब के पैसे को संभालना या उसको बूस्ट करना, तो इस पे कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मोस्टली जो हमारी यंगेस्ट है, यूथ है हमारी, वो इसी तरह करती है, मतलब गाड़ियों में या इस तरह जाया करती है बाप के पैसे को, तो वो एक नाअहली है किस्म की यूथ की। यूथ को मतलब चाहिए कि जिसकी किस्मत में ये चीज़ है कि मोस्टली कम लोगों की किस्मत में चीज़ होती है कि जिसको बाप का मतलब बने बनाए एम्पायर मिल जाता है, तो उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप उसको चलाते हैं तो आप सारी जिंदगी की आपकी स्कूलिंग की होती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बाप की मेहनत ही समझें कि मिल जाती है। तो जो इसको ज़ाया करते हैं वो मतलब आप 5 से 7 साल इससे ज्यादा वो नहीं खा सकते, इसको बाद में फिर उनको कोई ना कोई किसी जॉब पे या किसी की नौकरी किसी के नीचे लग के काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये बुरी चीज है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने अगर आपको वालिद साहब की तरफ से कुछ चीज आपको एम्पायर मतलब मिला है, तो आपको चाहिए कि इसको बेहतरीन तरीके से रन करें। तो आपका रियल एस्टेट का मतलब बिजनेस है बेसिक जो है, वालिद साहब का भी रियल एस्टेट का ही बिजनेस था, उसको आपने परस्यू किया या? जी, मेरे वालिद साहब का बेसिकली रियल एस्टेट का ही बिजनेस है, माशाल्लाह वो रियल एस्टेट में उनका एक नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैमिली बिजनेस है रियल एस्टेट। अच्छा, आजकल अगर देखा जाए ना 2022 में, तो एक ऐसा शख्स जिसके जेब में अगर 10 रुपए भी ना हो, किराए की दुकान लेके रियल एस्टेट और बिल्डर्स लिख देता है मकान किराए पे लगाने के लिए और इस तरह के, तो रियल एस्टेट की डेफिनेशन आप क्या बयान करते हैं जो बेसिक रियल एस्टेट का काम है? रियल एस्टेट में देखिए मुख्तलिफ आपके आ जाते हैं, आपके टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आप रियल्टर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। जो रियल्टर्स है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वो दुकान पे बैनर वगैरह लगा देते हैं, तो वो एक स्टार्ट है। आप उसी से, जिस बंदे ने सेल्फ बेस पे काम करना है उसके लिए एक स्टार्ट है, उसी से सीख के बंदा आगे तक जाता है इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल स्टेज जो है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की यूथ जो उसके साथ आपका ताल्लुक है, तो इस वक्त जो महंगाई है आपके बिजनेस पे तो खासा उसका असर पड़ा है। सरिया, रेत, बजरी, सीमेंट से अगर लें एक एक चीज पे स्टील तक का, तो अब तो जिसको कहते हैं होना राम है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जिस हालात में हुकूमत को संभाला है वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चाहती तो देखिए आगे 1 साल बाद फिर इलेक्शन है। ठीक है, ये गलती नहीं हुई इनसे वैसे? नहीं, वो हम आपको डिफाइन कर दे, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग अगर चाहती तो इनको इसके ऊपर जो है आवाम को रिलीफ दे के अपने वोटर्स बढ़ा सकते थे, लेकिन मुल्क हमारा जो है वो बिल्कुल दवालिए की तरफ जा रहा था। बेसिकली खान साहब जो है एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे खिलाड़ी है, बट वो एक अच्छे सियासतदान आप उन्हें कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि
जिसका काम कुछ अगर वो अच्छे सियासतदान नहीं है तो इस वक्त जो पीडीएम का की हालत हो चुकी है सब जमातों की, एक अकेले शख्स है तो उस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो आपकी बात देखें, मैं अभी इसको उस तरफ नहीं लेके जाना चाहूंगा जिसमें मैं सोशल मीडिया पे मेरी आपने अक्सर पोस्टिंग वगैरह शायद नजर पड़ी हो आपकी। तो पीडीएम बेसिकली इस टाइम पे बिल्कुल मुल्क का जो दवाली मेरी आपने बात को मुकम्मल होने थी जो मेरी इस टाइम मुल्क का मैंने आपसे जिक्र किया कि दवालिया हो चुका था। तो जब मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत को संभाला तो मुस्लिम लीग नवाज चाहती तो आवाम को रिलीफ दे के मतलब के अपने वोटर्स बढ़ा सकते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने सिर्फ अपने मुल्क का देखा है, अपनी सियासत ने देखी। तो इस बुनियाद पे मैं मुस्लिम लीग नवाज का सपोर्टर हूं। और जहां तक बात है एक्चुअली महंगाई पे ना बात करना चाह रहा हूं, आप पांच मरले का ही घर है, अगर आपको आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे आप उस पर काम कर रहे होंगे, एक पांच मरले के घर को अगर हम लेते हैं फर्ज करें सिंगल स्टोरी, पहले अब पहले की बात नहीं करते, रिसेंटली दो महीने पहले की बात कर लेते हैं, अगर 60 लाख में बनता था आपका तो अब तो वो 80-90 या 1 करोड़ के करीब हो गया होगा। बिल्कुल आप पे बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। मैं आपसे वही जिक्र कर रहा था कि इस टाइम पे जो हमारी जमात है उसने अभी मुल्क का सोचा है, अपनी सियासत नहीं सोची। तो हम भी जो है इस टाइम पे अपने मुल्क का सोच रहे हैं, अपनी जेब का नहीं सोच रहे। तो इंशाल्लाह ताला हम अभी रेट रजा की बात है, देखिए वो जो ऊपर वजीर आजम की कुर्सी पे हमारे मियां शबाशी साहब बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर वो भी महंगाई कम नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इंशाल्लाह ताला मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे, बस आवाम को हुकूमत को थोड़ा सा वक्त चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आपके जो रेट्स हैं 2018 में जैसा हमने पाकिस्तान छोड़ा था इंशाल्लाह ताला आपको वैसा ही पाकिस्तान का मिलेंगे। ये मुमकिन है कि 2018 में जो कीमतें थी वो वापस जी इंशाल्लाह ताला ये 100% मुमकिन है हमारे 2018 हमारा पाकिस्तान। और ये आपके मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ ही कर सकते हैं जी, ये मुस्लिम लीग नवाज कर सकती है और जो मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी हैं इंशाल्लाह हम सब अगर मिलकर चले तो हम इंशाल्लाह जरूर इस पाकिस्तान को वापसी। अच्छा यूथ इससे हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की वो ज्यादातर आजकल टिकटॉक स्नैक वीडियोस और बड़े दूसरी तरफ चल पड़ी है, आपको भी मैं देखता हूँ अक्सर टिकटॉक पे, कारोबार भी और साथ टिकटॉक भी, ये एक्टिविटीज भी, ये किस तरह मैनेज करते हैं? टिकटॉक मेरा शौक है ठीक है, और जो कारोबार है कारोबार से टाइम देखिए जो आपकी शौक होता है उसको आप कारोबार से अपनी मसरूफियात से टाइम निकालना पड़ता है। तो टिकटॉक के लिए जो है मैं बिल्कुल टाइम निकालता हूँ और उसकी एडिटिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। तो और ये क्योंकि जो आपका शौक है शौक का कोई मोल नहीं है। अच्छा आज का जो नौजवान है जिस तरह हमने बात की टिकटॉक वगैरह ये सब कुछ, तो आपने बहुत छोटी उम्र में ही मतलब पैसे को इस तरीके से देखा है कि उसको बिजनेस लाइन में अगर हम कहें तो कहते हैं बिजनेसमैन बहुत कंजूस होते हैं, तो आपके अंदर वो आंसर पाया जाता है? बिल्कुल आपकी बात है बिल्कुल ठीक है। जब दुकानदार होता है ना जिस तरह अब बंदा सोचता है बचपन में कि यार दुकान पे चॉकलेट्स पड़ी है, जब वो दुकानदार होता है जब वो उस जगह पे बैठा होगा उस कुर्सी पे तो उसका खाने का दिल नहीं करता वो चीजों का। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। जो बिजनेसमैन होता है वो बिल्कुल कंजूस होता है क्योंकि बिजनेसमैन ने लेवल बाय लेवल ग्रो करना होता है। जो जॉब होल्डर्स होते हैं इनकी सैलरी फिक्स होती है और इन्होंने मतलब इसी के ऊपर गुजारा करना होता है, बट जो बिजनेसमैन होता है उसने लेवल बाय लेवल अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है। वो इस लिहाज से कंजूस होता है क्योंकि वो एक ऐसी लेवल आ जाती है उस पर कि वो कंजूसी छोड़ देता है, लेकिन वो लेवल मतलब एंड पे जाके समझ नहीं आता बिजनेसमैन। अच्छा एक नौजवान जो इतनी छोटी उम्र में बिजनेस और लग्जरी लाइफ जी रहा हो, तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपको महंगाई पे वो मतलब इम्पैक्ट नहीं होता आपके ऊपर, तो जो एक आम कोई नौजवान कह ले या फिर गरीब रेडी वाला कह ले तो वो तो कहते हैं हम तो मर गए यार महंगाई से। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैंने भी आपसे ये बात नहीं की इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, लेकिन अपने मुल्क के दिवालिया से बचाने के लिए हम इस टाइम पे अपनी हुकूमत के साथ हैं। मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि कुछ टाइम है ये, जैसा कि जब 2013 में भी हमने हुकूमत संभाली थी तो कुछ टाइम आया था, तो ये सेम वही टाइम है। मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि इस टाइम पे हुकूमत का साथ दें और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क अभी तरक्की की राह पर गामजन है और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क वापसी पे जो है जैसा कि 2018 में मैंने पहले भी जिक्र किया था मुल्क, और इंशाल्लाह ताला फिर तो आपको लगता है कि ये जो दौरे इख्तदार है शहबाज शरीफ साहब का इसके अंदर महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट इलेक्शन बामुश्किल जीत सके। तो इस लिहाज से जो इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल होगी और मुस्लिम लीग नवाज की इंशाल्लाह अगले 5 साल
फिर से हुकूमत रहेगी। अच्छा, एक तासुर पाया जाता है आमतौर पर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वर्कर है या जो उनके जियाले आप कह लें, जब वो गलत करते हैं कुछ पार्टी के कारकुना जो लीडर्स हैं रहनुमा है, तो वो उसके खिलाफ इख्तलाफ पे राय अपना देते हैं। लेकिन जबकि इसके बरक्स ये देखा गया है रिकॉर्ड पे है कि पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नवाज या दीगर जमातों के उनके लीडर्स जो सियासत फैद करें तो वो जो उनके जियाले हैं वो उनके साथ ही खड़े होते हैं। ये मुस्बत अमल है या नेगेटिव है? ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि कुछ दिन पहले मुफ्ती इस्माइल साहब का बयान आया था जिसपे उन्होंने अपना जो है बिल्कुल गरीब का मजाक, उन्होंने वीडियो भी दी थी कि किस लिहाज से उन्होंने ये बात की गई है। तो देखिए, पूरी मुस्लिम लीग नमाज में आप मेरी भी सोशल मीडिया आईडीज ओपन करके देख लें और मुस्लिम लीग नमाज के जो वर्कर्स हैं या कारकुनान हैं या मेम्बरान हैं उनकी भी आईडीज ओपन करके देखें कि मुजम्मत की गई है इस चीज की। तो लेकिन जब अपना बात की गई मदीना मुनव्वरा में जब तोहीन हुई तो उस टाइम पे भी तहरीक इंसाफ के, खैर मैंने तो कोई मेंबरान नहीं देखा कि जिसने इस बात की जो है आपका मुजम्मत की हो। तो गलत जो चीज है किसी भी पार्टी में, चाहे वो नवाज शरीफ की हो या चाहे वो इमरान खान की, उसको कंडेम करना चाहिए। अगर जिस तरह भी बातें कर रही है नून में से शीन निकालने की कि नवाज को खत्म करके शहबाज को लाने का जो एजेंडा है, तो आपको अगर फर्ज करें ऐसा होता है कि नवाज शरीफ को साइड पे कर दिया जाता है और शहबाज शरीफ टेक ओवर करते हैं पूरा काम, तो फिर भी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही रहेंगे या फिर शहबाज शरीफ के साथ? देखिए जी, जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसको मेरे पहले वाले साहब ने रन किया है, फिर मैंने रन किया है, तो मेरे जो शेयर होल्डर थे या जो मेरे साथ वर्कर्स थे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको भी उनका भी एतमाद मेरे वाले साहब की वजह से ही मेरे पे है। तो इसी तरह पहली बात यह है कि नूर में से शीर इंशाल्लाह कभी भी नहीं निकलेगा। और अगर आपकी बात पे चले, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लें, तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नवाज के साथ, क्योंकि अगर इसको देखा जाए ना रियलिटी पे, तो अब नवाज शरीफ साहब के साहबजादे नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, और अगर वो हों भी सही तो उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि भाई हमारा सियासत से और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वालिद संभाले और जो उनकी बहन है मरियम मोहतरमा मरियम नवाज साहब वो संभाले। तो इन दोनों को ही अभी हम देख रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो सफे अवल पे आने की, जिस तरह भी बाप और बेटा वजीर आला और वजीर आजम की गेम है, तो आपको लग नहीं रहा कि ऐसा ऐसा से सफाया हो रहा है? नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूं। देखें, जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब है, आप खुद देखते हो कि हर जलसे में वो जा रही है, बजाते खुद वो जा रही है, हर जलसे को अटेंड कर रही है। तो मैंने जैसा कि आपसे पहले बात की कि पार्टी में उनकी फैमिली रन कर रही है, अब मैंने आपसे बात की कि मेरे वाले साहब रन कर रही है, मैं रन करूँ बिजनेस को, तो वो एक ही बात है। इसी तरह वो मतलब हमारे जो वो आपस में भाई हैं उनका एक ही मुआहदा, उनका एक मतलब के मंजिल है कि पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पर गामजन करना। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मोहतरमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी से आउट हो रहे हैं या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इससे आउट हो रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज की जो हमारे कायद मोहतरम की जो फैमिली है वो हमेशा एक है, और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हमेशा मुस्लिम लीग नवाज ही रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला इस बात से जो है पीटीए वाले ना सोचें कि इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि इस तरह का कभी कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बिजनेसमैन, एक नौजवान बिजनेसमैन की सोच और एक आम कॉमन जो एक मैन है या एक मर्द है जो नौजवान है, उसमें क्या फर्क है आपको लगता है? देखिए, जो बिजनेसमैन होता है वो ना सिर्फ अपना सोचता है बल्कि अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज का सोचता है, अपने जो उनके जिनसे वो चीज़ें मतलब जिनके साथ वो काम कोलीग्स हैं जो उनके उनका सोचता है। तो मतलब एक बिजनेसमैन के थ्रू उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो मतलब जिनसे वो चीज़ें परचेज करता है, सेल करता है, जैसा मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो मैं जिनसे चीज़ें परचेज करता हूँ सेल करता हूँ, मेरे साथ कई लोगों का जो है वो घर का मतलब सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो जो एक आम नौजवान है वो सिर्फ अपनी स्टडी के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और अपने बारे में सोचता है। वो मैं 90% जो लोग हैं मतलब अपने बारे में सोचते हैं, जो 10% जो फलाह के लिए काम करते हैं वो हमारी यूथ होती है जो मतलब आवाम के लिए सोचती है। अच्छा, महंगाई पे फिर दोबारा थोड़ी सी बात करते हैं, वो इस वजह से कि अब आपका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं बार बार एक ही लफ्ज रिपीट कर रहा हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में बिजनेस को संभालना और उसकी जो सोच समझ है या अकल, वो एक बड़ी देखने वालों के लिए बड़ा अजीब लगता है कि यार इतना छोटा सा एक बंदा और इतना बड़ा कारोबार किस तरह हो सकता है। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई पे शायद आपको, आपने अपना इस पे ओपिनियन देना है, मुझे जहां तक लगता है इस वजह से भी आपको असर नहीं पड़ता होगा कि अगर आप फर्ज करें एक घर जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है
वो आप 1.5 करोड़ रुपए में फर्ज करें सेल करते थे, तो अब वही बनेगा आपका 1.5 करोड़ में, तो वो सेल भी इंक्रीज ही उसकी मतलब प्राइस होनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मैनेज हो रही है चीजें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल जो बिजनेस मैन होता है ना, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं, मेरे वालिद साहब भी बिजनेस मैन है और मेरे दादा मेरे को माशाल्लाह एक हाजी मोहम्मद अलवान साहब, वो एक माशाल्लाह एक अच्छे बिजनेस माइंडेड पर्सन थे और माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे हो रहे हैं। तो ये जो चीजें ये हमें विरासत में समझ में मिली है कि मतलब किस चीज को किस तरह रन करना है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को लंबी उम्र से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने जो है हमें हमेशा मुश्किल वक्त में चलना सिखाया। और इंशाल्लाह ताला हम अपने बिजनेस को हर मुश्किल वक्त पे, हुकूमत देखे मुस्लिम नवाज की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, जो हालात है मुल्क के वो बदलते रहते हैं। तो जो बिजनेस को किस तरह रन करना है, हमारी इतनी एज अभी नहीं है कि मतलब हम इसको बहुत हाई लेवल पे जाके इसको रन कर सकें, तो ये वालिद साहब के जो सपोर्ट है, जो वालिद साहब की बताई हुई बातें हैं उस पर अमल करके जो है हम इसको रन करते हैं। और दूसरी बात रही कि हमारा मकान जो आपने एग्जाम्पल दी है वो इस तरह है कि देखिए हमारे मकान की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर ज्यादा होती है तो हमारे जारी बात हमारा रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। तो हमारा चले जिधर हम पहले एक मकान के पीछे से जाए तो जिसको कान इधर से पकड़े या कान उधर से पकड़े, हाँ बिल्कुल। तो एक मतलब हम टाउन पर डेवलप करते हैं या कोई मकान बिल्ड करते हैं तो उसको जो है हम उसी हिसाब पहले उसमें से अगर 50 लाख या करोड़ कमाते हैं तो चले अभी 10-15-20 लाख का फर्क पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि बता रहे पॉलिटिशियन इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, मैं अपनी हुकूमत के साथ हूं, मुझे अपने प्रॉफिट रेशियो से फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मुल्क का दवा नहीं होता। अगर आपके मुल्क को खुदा ना खास्ता मईशत में, वक्त हमारे पास इख्तिताम की जानिब है, मुख्तसर इसके ऊपर आपकी राय लूंगा कि अगर मुल्क खुदा ना खास्ता दिवालिया की तरफ जाता है और आपके वजीर आजम होते हैं इमरान खान साहब, तो तब भी आप अपने पैसे को मुल्क की खातिर उनकी उस पे ट्रस्ट करते हुए हुकूमत के खजाने में देंगे? जी 100% बिल्कुल ऐसा है। मुझे मुल्क के वजीर आजम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने मुल्क से फर्क पड़ता है। बेशक इमरान साहब हूँ, खान साहब हूँ, बेशक मियाँ साहब हूँ, बेशक बिलावल भुट्टो साहब हूँ, जब मेरा मुल्क मुश्किल में है तो मेरे से इंशाल्लाह जितना होगा अपने मुल्क के लिए मैं करूंगा और इंशाल्लाह हर मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के साथ रहूंगा। बहुत ही खूबसूरत बात, और इसी खूबसूरत बात के साथ नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद थे मलक शाहज़ेब साहब, नौजवान बिजनेसमैन भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की यूथ के साथ भी इनका ताल्लुक है। तो इस हवाले से हमने कोशिश की है कि इनके तासरात और जो आजकल बढ़ती हुई महंगाई है उस पर एक मुस्लिम लीगी का क्या कहना है और नौजवान मुस्लिम लीगी का उस पर क्या ओपिनियन है। उम्मीद करते हैं आज का ये खसूसी इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया जी मलक साहब। इंशाल्लाह जी नाज़रीन नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आप खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।